हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये माइक्रोमैक्स का 40 इंच का एलईडी टीवी है। इसमें डबल इमेज का फॉल्ट है। थोड़ा रुक कर, फ्रीजिंग फॉल्ट भी है और डबल इमेज भी है। देख लीजिए, पैनल नंबर यही है, T39XV NO1। इसमें पैनल वोल्टेज 12 वोल्ट ओके है और VGL वोल्टेज भी -9 वोल्ट ओके है और AVDD वोल्टेज भी 14.5 ओके है और VCOM सप्लाई जो है ये भी ठीक है, 6.6 वोल्ट और VGH सप्लाई भी ठीक है, 28 वोल्ट और यहाँ ओड इवन वोल्टेज जो है, यही वोल्ट जो है कभी 28 वोल्ट हो रहा है, कभी -9 वोल्ट हो रहा है, कभी 28 वोल्ट हो रहा है, कभी -9 वोल्ट हो रहा है। यहाँ दो गो रेजिस्टेंस जो है के पास -9 और 28 वोल्ट, यानी VGH और VGL दोनों हो रहा है और यहाँ जो है -3 वोल्ट ठीक है और यहाँ पर 0.0 वोल्टेज है। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ भी 0.0 है। अब यहाँ जो पॉइंट है वहाँ रेजिस्टेंस जो है कि निकाल देने से सेट जो है कि ओके हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो गो रेजिस्टेंस जो है वो निकाला हुआ है, ये दोनों रेजिस्टेंस देखिए यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ओपन कर देने से सेट जो है कि ओके हो जाता है। ऐसा किए हैं, देखिए एकदम माइक्रोमैक्स लिखा, उसके बाद सिग्नल जो है नो सिग्नल जो है देखिए एकदम क्लियर है, डबल इमेज नहीं है और पिक्चर भी देख लीजिए, वीडियो दे रहे हैं, वीडियो देने के बाद एकदम पिक्चर परफेक्ट है। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए पूरा नहीं दिखाए हैं, केवल फॉल्ट बनाने वाला ही दिखाए हैं।